दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच रिपोर्ट के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस पिच रिपोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि इस पे जो है आपने पहले जो है आईपीएल के मैचेस जो है वो जरूर देखा होगा, जब आपने राइजिंग पुणे स्टार पुणे जो है वो टीम देखा होगा 2 साल के लिए, जब चेन्नई बैन था और राजस्थान जब बैन था, तो उस समय जो है आपको देखने को मिला होगा कि ये दो टीमें जो कि एक गुजरात वाली टीमें चल रही थी और एक पुणे वाली जो है वो टीमें चल रही थी, तो आपको देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे मैच हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो जो है हम लोग उसी के आधार पर जो है वो देखने को यहाँ पे एक बार देखेंगे कि कैसा जो है पिच रिपोर्ट हो सकता है और किस तरह से जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, ताकि जैसे ही अपडेट आते रहेगा तो आप जो है उसे आसानी से आप जो है आगे तक जो है वो बढ़िया से आप देख सको, और जैसे भी कोई वीडियो आएगा आप उसे आसानी से जो है वो देख सको। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और आईपीएल में एक बढ़िया सा प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप बना सकते हो। साथ में आप कॉल पर या सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और आईपीएल में जो है आप विनर सेशन एंट्री के जो है एक बढ़िया सा प्रॉफिट बनाने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं इस पिच के बारे में। तो आप देखोगे पिच जो है 2011 में जो है वो एक तरह से ओपन किया गया था, और ये वो दौर था जब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिला था कि एक बढ़िया तरीके से जो है वो उसके बाद से आईपीएल के जो है यहाँ पे 2 सीज़न बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हुआ है, और उसके अलावा भी बाकी मैचेज आप डोमेस्टिक के देखोगे तो यहाँ पर होते रहता है। इसके अलावा बात करते हैं इसको, तो आप देखोगे तो ये पुणे इंडिया में जो है वो अवेलेबल है, और ये महाराष्ट्र का जो है वो ग्राउंड है। यहाँ पे आप होम ग्राउंड देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग का जो है वो लिखा रहेगा, कभी कभी जो है जहाँ पे चेन्नई के मैचेस होते थे उसके अलावा जो पुणे की टीम थी उसके जो है मैचेज होते रहते हैं, और चेन्नई भी जो है अपना जो नॉर्थ में जब रखता है ग्राउंड होम ग्राउंड, तो ये जो है आपको पुणे वाला ग्राउंड जो है ये रखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये ग्राउंड आप देखोगे तो जैसे इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से देखोगे तो एक बैटिंग फ्रेंडली जो है पिच आपको देखने को मिलेगा, और आईपीएल में अभी तक जितने भी मैसेज हो रहे हैं आप देखोगे तो वानखेड़े जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच है, लेकिन यहाँ पे 2 मैसेज हुए और दोनों जो है आपको देखने को मिला था कि काफ़ी जो है एक एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड जो है मैच देखने को मिला था। उसके अलावा बाकी जो 2 मैसेज हुए हैं दूसरे ग्राउंड पर वो जो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली जो है पिचेज हुए हैं, तो उसी तरह का जो ग्राउंड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस ग्राउंड पे जो है जैसे कहीं भी महाराष्ट्र में आप कहीं भी देखते हो, या मुंबई वाला कहीं भी पिच रहता है, पुणे वाला कहीं भी मैच रहता है, तो आप देखोगे कि शुरुआत का ओवर जो है वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमने चारों मैच में देखा है कि शुरुआत का जो ओवर होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए, और शुरुआत के ओवर में जो है कुछ विकेट जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत का जो होता है बहुत ही डेंजर वाला जोन होता है, तो वहाँ पर जो है ये संभाल के खेलना होता है, और वहाँ पर जैसे ही संभाल के खेलेगा तो एक अच्छा सा जो है इनिंग की शुरुआत यहाँ पर बैट्समैन कर सकते हैं। बॉलिंग के लिहाज से देखो तो शुरुआती जो बॉलर होते हैं उनके ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो जो है विकेट मिल जाएगा इस ग्राउंड पे, और जो खासकर डेथ ओवर में जो है थोड़ा सा विकेट जो है यहाँ पे गिरता है। उसके अलावा जो है जो फर्स्ट इनिंग होता है शुरुआत में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्विम करते रहता है बॉलर, साथ के जब शुरुआती मैच हो तब बहुत ज़्यादा जो है स्विम देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैसा वाला कंडीशन, और उस कंडीशन से हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ विकेट जो हो देखने को मिल जाए, शुरुआत के 2-4 ओवर में जो है 1-2 विकेट देखने को मिल सकता है, और ऐसा जो है दोनों इनिंग में हो सकता है जैसे हम वानखेड़े पर भी देख रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे डे वाला मैचेज तो जो रहेगा यानी कि जो फर्स्ट इनिंग रहेगा उसमें आप देखोगे स्पिनर का रोल भी जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, जो कि आपने जो है बाकी मैचेज जो हुए हैं उनमें भी देखा होगा कि स्पिनर का रोल जो है काफ़ी क्रूशियल रहता है, और आप ऐसा स्पिनर को पिक करके चल सकते हो जो कि आपको देखने में लगेगा कि काफ़ी जो है वो एक अच्छा स्पिनर हो। जो भी यहाँ पर मैचेज होंगे तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा मैच जो है यहाँ पर हो रहा है, किस टीम का हो रहा है, और उस टीम में जो है बेस्ट स्पिनर जो है कौन है, जो कि आप एवरेज देखोगे एटलीस्ट 6 का जो है नीचे रखता है, अगर 6 का एवरेज जो है नीचे रखेगा तो आपको जो है विकेट टेकिंग भी जो है वो होगा और विकेट जो भी हो लेके देगा। इसके अलावा बात करते हैं तो बॉलर में जब मीडियम फास्ट देखोगे जो स्पीड में वेरी करेंगे वो आप देखोगे चारों ग्राउंड पे जो अभी तक 2-3 मैच चारों मैचेस में जो 3 ग्राउंड पे हुए हैं उन सब में जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। जब भी जो है आप देखोगे कि मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहा है और स्पीड वेरिएशन के साथ कर रहा है, तो अगर वैसा कोई बॉलर जो आपको मिलता है तो आप उसको पिक करके चल सकते हो इस ग्राउंड के लिए, कि उसके लिए भी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राउंड होगा जहाँ पे जो है एक बढ़िया सा स्कोरिंग जो है वो कर सकता है। तो हमने तीनों एक्सपेक्ट जो है वो देख लिया है। बैटिंग के लिए मैंने बता दिया कि देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल जरूर क्रिएट होगा, तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर को जो है पिक कर रहे हो तो कोशिश करो कि बॉलिंग जो है वो पिक कर लो, बैट्समैन जो है आप इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा देखोगे उसके बाद का जो है वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर का जो है बैट्समैन आप पिक करके चल सकते हो, उसमें जो है आपको रन देखने को मिल जाएगा। ऑलराउंडर में जो आप ऐसा देख सकते हो जो कि स्विम बॉलर्स हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप जो है बैटिंग ऑलराउंडर की जगह जो है आप बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो आपके पास रहेगा। बॉलिंग में आप स्विमर्स और फास्ट बॉलर को जो है आप ले सकते हो शुरुआती के लिए और डेथ के लिए, लेकिन मिडिल ओवर के लिए आपको जो है स्पिनर पिक करके चलना है, क्योंकि स्पिनर का जो है बुलदा जो दबदबा रहेगा वो दोनों टीमों की तरफ से रहेगा।
तो बैट्समैन हो गए, स्पिनर हो गए, बॉलर हो गए, और ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इस ग्राउंड के लिए पिक करके चलना है, जो कि आपको जो है कि आप बढ़िया से जो है बेनिफिट दे सकता है। जैसे जैसे सेकेंड हाफ शुरू हुआ था, आप इस बात का ध्यान रखना कि बैट्समैन को जो है थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट जो है थोड़ा सा जरूर मिलेगा। तो बैट्समैन के एंगल से जो है देख के चलना है, क्योंकि बैटिंग पिच जो है वो आपको ये शो करता है ये ग्राउंड कि यहाँ पे जो है जहाँ के एवरेज बैटिंग आप देखो तो 170 के आसपास है, तो एक बहुत ही अच्छा जो है एवरेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिसेंट मैचेज यहाँ पे देखते हैं, तो देखोगे रिसेंट 5 मैचेज यहाँ पे हुए हैं, तो आप उनमें देखोगे तो एक मैच जो लास्ट हुआ था उसमें जो है 153 रन जो है वो आपको देखने को मिला था। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर 180 रन जो है देखने को मिला था। दूसरा आप देखोगे तो मिलेगा तो आपको जो है 127 मिला था। इसके अलावा देखो तो 211 मिला था, और उसके अलावा देखो तो 159 मिला था। ये स्कोरिंग एरिया जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको देखने मिलेगा कि देखो एक लो स्कोरिंग मैचेज हो रहा था, एक हाई स्कोरिंग मैचेज हो रहा है, एक लो हो रहा है, एक हाई स्कोरिंग मैचेज हो रहा है। और ऐसा ट्रेंड जो है आप मुंबई के कोई भी ग्राउंड देखोगे उसमें जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक हो सकता है कि लो स्कोरिंग मैचेज हो तो या दो लो स्कोरिंग मैचेज हो, तो उसके बाद से जो है हाई स्कोरिंग मैच होना ही होना है महाराष्ट्र के किसी भी ग्राउंड पर आप देखोगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के हिसाब से जो है अपना सीनरियो जो है आप पिक करके चलना कि आप किस तरीके से जो है पिक करके चलते हो, कैसे बना के चलते हो। इसी अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे अभी तक जो है इंटरनेशनल मैचेज यहाँ पे 3 खेले गए हैं, जिनमें से 2 सेकेंड मैच जीता है, एक जो है वो फर्स्ट मैच जीता है। और इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक मैचों की बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर डोमेस्टिक मैचों की बात करते हैं तो 38 मैचेज हुए हैं, जिनमें से आप देखोगे तो 18 मैचेज जो है फर्स्ट मैच जीता है और 20 मैचेज जो है सेकेंड मैच जीता है। और मेनली ये आईपीएल के मैचेज हैं, और आईपीएल के मैचेज मेनली 7:30 बजे से स्टार्ट होते हैं, जो भी 7:30 बजे से स्टार्ट होगा तो आपको जो है थोड़ा सा ड्यू का असर रहता ही है, और उसके अलावा जो है आपको रात में थोड़ा सा चेस करना आसान भी होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है इस कंडीशन देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज बैटिंग देखोगे तो 160 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा जो है एवरेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर 160 के आसपास है तो एक एवरेज जो है अच्छा है, और यहाँ पे रन भी जो है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न का, तो आप देखोगे कि जो स्कोरिंग एरिया है 150 से 90 के बीच में, ये जो है हमारा मेन स्कोरिंग एरिया रहता है, फोकस वाला एरिया, उसमें आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोरिंग एरिया है, तो इसी में जो है स्कोरिंग एरिया रहेगा। और यहीं पे जो है आपको यहाँ पे स्कोरिंग एरिया देख के चलना है कि कौन सी टीमें हैं। ऐसी कोई टीमें मत उठा लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, हालांकि अभी जो है 8 टीमों का मैचेज जो है इसके बाद हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन टीमें कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है उसमें जो यही है कि थोड़ा सा जो है किसी किसी टीम में वीकनेस है, लेकिन जैसे इंग्लैंड वाले प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद से जो है स्क्वाड जो है थोड़ा सा आपको दमखम द्वारा जो है सभी दिखने लगेगा। तो आपको जो है वो अगले वीक से जो है थोड़ा सा स्क्वाड आपको भरा भरा सा दिखने लगेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें जो हमने सारे एक्सपर्ट जो है वो कवर कर लिया, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना। और इसके अलावा जो आप किसी भी तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हो आईपीएल से रिलेटेड, चाहे वो मैच का हो, एंट्री का हो, सेशन का हो, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आपको टेलीग्राम पर जुड़ना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिलते रहते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।